द हीट ऑफ कम्बस्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज 393.5 किलो जूल पर मोल। आपको कार्बन का कम्बस्शन मतलब कार्बन जब बर्न हो रहा है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इस कम्बस्शन में जो हीट रिलीज हो रही है वो आपको दी हुई है, ठीक है। अब देखिए द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम CO2। देखिए आपका जो कम्बस्शन का रिएक्शन है इसमें 1 मोल CO2 बन रहा है, 1 मोल CO2 बनने में जो हीट रिलीज हो रही है वो आपको दी है 393.5। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि अगर 35.2 ग्राम CO2 बने तो कितनी हीट रिलीज हो रही होगी। तो जरा हम जो आपको ये दिया है अमाउंट 35.2 ग्राम, इसका मोल निकाल लेते हैं। CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 12 + 32 मतलब कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 मतलब 32, तो टोटल 44 हो गया इसका मोलिकुलर वेट। अब मोल क्या होगा आपका, ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, ग्राम पर मोल। तो ग्राम कितना है आपका 35.2 और मोलिकुलर वेट है आपका 44। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि 0.8 मोल CO2 फॉर्मेशन में कितनी हीट रिलीज्ड होगी। तो 1 मोल CO2 में हीट रिलीज हो रही है जो आपको दी हुई है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो 0.8 में कितनी होगी, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब -314.8 अप्रोक्सीमेट 315। तो आपका आंसर क्या होगा, -315 किलो जूल। सो आंसर इज डी। थैंक यू।